Hi, welcome all. Today we are going to see a case of a 50 years old woman with joint pains, arthritis. She had severe pain in her joints, all the major joints, shoulder, knees, back, everything was hurting. तो क्या हो गया? तो उसको पूछा, what is the concern? She said, I feel a lot of pain. I cannot do work. I am struggling to carry on my routine. So how does that worry you? She said, I am worried about my kids. What has pain to do with your kids? कि उसने मुझे कहा कि ये जो दर्द है ना, ये दर्द मुझे कुछ काम नहीं करने देता, ठीक से मैं रूटीन कैरी नहीं कर पा रही हूँ. तो फिर क्या? तो उसने कहा कि मुझे ये चिंता लगी रहती है कि बच्चों का कैसे होगा. बच्चों का कैसे होगा, परिवार का कैसे होगा? तो क्यों ऐसा आप सोच रही हैं? बोले, मैं अगर रूटीन करती हूँ तो सब बच्चों को टाइम पे खाना मिलता है, बच्चों को टिफिन टाइम पे जाता है, उनका स्कूल है, उनका रूटीन है. मैं बोला, बच्चे घर में कोई नहीं है? बोले, हाँ सर, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा अलग रहता है, एक बेटा और बहू मेरे घर में रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, और दो पोते हैं जो कि स्कूल जाते हैं, एक 6 साल का है और एक 4 साल का है, जूनियर KG है और एक फर्स्ट में है. तो फिर अगर मैं जगह पे बैठी रही, मैं कुछ कर नहीं पाई, तो सब घर डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए मुझे जल्दी ठीक करो आप. मैं बोला, अच्छा और क्या क्या होगा अगर आप नहीं ठीक हो गए? क्या एंग्जाइटी है, क्या डर है आप में? तो बोली, सर मैं ये सोच रही हूँ कि अभी से मेरे इतने दर्द हो रहे हैं, इतना जोड़ों में दर्द है, मैं रूटीन ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो आगे जाके कैसे होगा मैं अगर जगह पे बैठ गई या बिस्तर पर लेट गई, तो क्या हो जाएगा? इफ वॉट इफ आई गेट बेड रिडन? बोला, ओके, वॉट विल हैपन? शी सेड, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड, एवरीथिंग विल बी प्रॉब्लमेटिक, ऑल थिंग्स विल गो हेवायर. बोला, वाई यू नीड टू हैव टू वरी अबाउट इट? वो बोली, सर बेटा और बहू भी तो काम पे जाते हैं, उनको भी तो हेल्प करनी है, और मैं अगर सही रही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए मुझे ये टेंशन लगी रहती है कि मैं जगह पे बैठ जाऊंगी ना तो मैं ठीक से कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, उनको कैसे हेल्प कर. मैं बोला, आपको इतनी टेंशन की जरूरत ही क्या है? वो बोले, नहीं सर, मेरी आदत ही वैसे है, और मुझे ऐसे लगता है जब तक मैं काम करती रहूं, जब तक चलती रहूं, तब तक मैं मेरी तबीयत सही रहेगी, मेरे जोड़े सही रहेंगे, जोड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मुझे चलते रहना है, मुझे रुकना नहीं है बिल्कुल भी. तो ये कहां से आता है? दिस इज रस्टॉक्स. व्हेन एवर अ पर्सन रिलेट्स पेन टू इट्स चिल्ड्रन, टू इट्स फैमिली, एंड चिल्ड्रन मीन्स हु आर डिपेंडेंट ऑन देम, है ना, जब भी दर्द का सवाल आता है तब दर्द अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ जोड़ता है, वो रस्टॉक्स है. क्योंकि उसको लगता है कि दर्द ये मुझे एक जगह पे रख देगा और उसके लिए वो डिजास्टर है. डिजास्टर माने विपदा, आपत्ति, कोई भी संकट आता है वैसे तो पूरा तहस नहस कर जाएगा. ये बीमारी मेरी अगर बढ़ गई और मैं एक जगह पे रह गई तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. इतनी चिंता है रस्टॉक्स को, केयर्स फुल ऑफ. And this comes from love exalted. She loves her family very much. And this is the selflessness of Rustox. So, dard, care, bachcho ki aur family ki, anxiety, children, anxiety, family, fear, disaster, which comes from these cares, it comes from love. And this all comes from the basic nature of Rustox, that is selflessness. Yes. Signing off as of now. See you again.